बिहार में चुनाव से पहले एक बार फिर गोलियों की गूंज सुनाई देने लगी है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले खूनी खेल शुरू हो गया है। लोकतंत्र के महापर्व का फायदा उठाकर शूटआउट का खेल खेला जा रहा है। चुनाव से पहले शिवहर जिले में जनता दल राष्ट्रवादी के प्रत्याशी श्री नारायण सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। दरअसल प्रत्याशी श्री नारायण सिंह अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क अभियान में निकले थे। पिपराही थाना क्षेत्र के हथसार गांव में ही अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। इस हमले में प्रत्याशी श्री नारायण सिंह समेत 4 लोगों को गोली लगी, जिसमें से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। ये बताया गया है कि वहाँ पर ये अपने चुनाव प्रचार के दौरान वहाँ पे इसी क्रम में कुछ अपराधकर्मी जो इन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे थे, उनके द्वारा इनके ऊपर गोली चलाई गई थी और गोली चलाने के दौरान ये जख्मी हुए हैं और उसके बाद अपराधकर्मी भी भागने का प्रयास किए, लेकिन कुछ उसमें से 2 लोगों को पकड़ा गया था। तो अभी अभी इलाजरत है और इनको यहाँ पर इलाज के लिए लाया गया था, लेकिन स्थिति गंभीर को देखते हुए, गंभीरता को देखते हुए ये इनके परिजन इन्हें सीतामढ़ी ले गए। अपराधी कितने की संख्या में? अपराधी 5 से 6 के बारे में बताया जा रहा है। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने 3 हमलावरों को पकड़ लिया था, जिसमें एक हमलावर को बुरी तरह पीटा गया, जिसकी इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। न्यूज़ डेस्क।